नमस्कार। आज श्वेता किचन में हरियाणवी स्टाइल में बनाएंगे हम राजमा, और उसको किस तरह से कैसे बनाते हैं आज हम आपको बताएंगे। ऑयल, टमाटर, प्याज, लहसुन अदरक पेस्ट, तड़के के लिए हींग, जीरा, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर और थोड़ा बहुत हरी मिर्चें चाहे तो आप डाल सकते हैं। अगर आपको तीखा नहीं पसंद होगा तो आप स्किप कर सकते हैं। ये मैंने राजमा लिया है करीब 150 ग्राम के करीब। उसमें एक गिलास पानी डाल देंगे और अब इसको बॉईल करने के लिए हम गैस पे रख देंगे। हमारा राजमा उबलने के लिए रख दिया गया है, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 सीटी में हमारा राजमा उबल चुका है। इसको हम 15 मिनट के लिए फिर से छोड़ देंगे। ये हमने राजमा को 15 मिनट तक बॉईल कर लिया है। 5 से 6 सीटी देता है जिससे अच्छे से बॉईल हो जाता है। ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट से बॉईल हो गया है। हमने इसको रात भर भिगो के रखा था। आप चाहें तो 4 से 5 घंटे भी भिगो के रख सकते हैं। और हमारा कुकर जो है गर्म हो गया है। अगर आपको हरियाणवी स्टाइल में बनाना है तो कुकर में सबसे बेस्ट राजमा बनता है। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच ऑयल है जिसको डाल देंगे। आप चाहे तो जो भी ऑयल यूज कर सकते हैं, चाहे तो मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, चाहे तो राइस ब्रान ऑयल यूज कर सकते हैं, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम इसमें तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें हम हींग डालेंगे, फिर जीरा डालेंगे और हमने जो 2-4 मिर्ची कट करके रखे हुए हैं उसको डालेंगे। फिर कटिंग प्याज डालेंगे, गोल्डन कलर होने तक भूनेंगे। इस कुकर में हम इसको इसके लिए बनाते हैं ताकि ये जो राजमा है साबुत कम अच्छे लगते हैं, ये अच्छे से जल जाते हैं, इनके जो है एकदम हरियाणवी टेस्ट आता है और सबको पसंद भी आता है। आजकल किसी के पास भी उतना टाइम नहीं है कि बहुत देर तक पकाएं, तो कढ़ाई में पकाने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए जो हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए हम कुकर में बनाएंगे तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट हो या वर्किंग लेडी हो, जो भी हो, सबके लिए। हर प्याज का कलर अब चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा और भूनेंगे 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट और भूनेंगे प्याज को तो हमारा प्याज हो जाएगा। फिर इसमें बाकी की चीज़ें हम ऐड करेंगे। प्याज को एक बार और चला के देख लेते हैं। ये हमारा प्याज गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें जो हमने अदरक लहसुन पेस्ट बना के रखा है उसको ऐड कर देंगे। अब
अदरक लहसुन पेस्ट को 2 से 3 मिनट पकाना है। गैस का फ्लेम हम मीडियम हाई कर देंगे। मसाले ऐड करने से पहले गैस को धीमा कर दें ताकि हमारे मसाले जले नहीं, उनका वही फ्लेवर हो जो होना चाहिए। लाल मिर्च पहले ऐड करेंगे, फिर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर। अब इन सब मसालों को चला देंगे एक बार के लिए। 10 सेकंड के बाद से फिर से जो है इसमें हम ये जीरा पाउडर हमारा है वो उसको डालेंगे और टमाटर को भी ऐड कर देंगे। अब इन सभी मसालों को भूनेंगे। अगर आपके मसाले पकड़ रहे हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, नहीं पकड़ रहे हो तो इसको ढक के 2 से 3 मिनट ऐसे ही भून लेंगे। बस 3 मिनट हो चुका है, हम अपने मसाले को एक बार और चेक कर लेंगे। अब हमारे मसाले थोड़े थोड़े पकड़ रहे हैं तो प्याज और टमाटर को अच्छे से गलाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, एक छोटी चम्मच नमक ऐड कर देंगे। इससे हमारे प्याज और टमाटर जल्दी गल जाएंगे। और थोड़ी सी पानी, फिर से हम ढक के फ्लेम हमारा लो रहेगा और छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं राजमा जो है 15-20 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया है और इसका टेक्सचर देखिए कितना सॉफ्ट और कितना सुंदर दिख रहा है। इसको अब हम सर्व करने के लिए बाउल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं अगर आपके पास राजमा भिगोने के लिए, कभी कभी होता है कि हम भूल जाते हैं तो उसको क्या करिए, पानी को थोड़ा ज़्यादा गर्म करिए और नमक डाल के उसको ढक दीजिए। ये हमने बाउल में राजमा को निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये जो है कितना खूबसूरत और कितना अच्छा जो है इसका स्ट्रक्चर जो है एक नंबर है जो होना चाहिए। और इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ना ही ज़्यादा मसाले हैं और हमारा जो है राजमा आप किसी चीज़ से भी ऐसे करके देख सकते हैं, हाथ से भी देख सकते हैं। देखिए बहुत सॉफ्ट है। मैं बताना चाहूँगी ऐसे राजमा अगर आपने रात में नहीं भिगो पाए हैं, आपको नहीं याद आया है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आप सुबह में भी लंच में अगर बनाने हैं तो मॉर्निंग में आप जो है गर्म पानी में नमक डाल के राजमा डाल के भिगो के छोड़ सकते हैं। 3 से 3.5 घंटे में ये अच्छा हो जाता है। और फिर क्या करिए, बिल्कुल भी लो फ्लेम पे गैस पे इसको चढ़ा के और छोड़ दीजिए 4 से 5 सीटी पूरा आने तक। और जब वो अच्छा से बॉयल खोल के आप चेक कर सकते हैं, अगर ना भी हुआ हो तो 1-8 सीटी और लगा सकते हैं, वो बढ़िया हो जाएगा। राजमा बनाने का ये बेस्ट तरीका है, आप ऐसे बना सकते हैं। हरियाणवी स्टाइल राजमा बना है हमारा, इसको जीरा राइस के साथ पूड़ी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। और